नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग बीएससी थर्ड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को यूनिट फर्स्ट एनएमआर स्टडी करा रही थी। इस एनएमआर में हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हमने जो पढ़ा था वो केमिकल शिफ्ट पढ़ा था। आज हम इस केमिकल शिफ्ट को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स पढ़ेंगे। हमने वहां पे दो वर्ड सीखे थे, सिल्डेड प्रोटॉन्स और डिसिल्डेड प्रोटॉन्स। आज हम इन्हीं दोनों वर्ड्स का यूज करेंगे और फैक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे कि कौन सा फैक्टर जो है वो प्रोटॉन्स को सिल्डेड करता है और कौन सा फैक्टर जो है वो प्रोटॉन्स को डिसिल्डेड करता है। आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। यूनिट फर्स्ट एनएमआर स्टडी कर रहे हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट, इसमें हम पहला पढ़ेंगे पहला फैक्टर हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो प्रोटॉन होता है वो कार्बन से भी जुड़ सकता है, नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है, ऑक्सीजन से भी जुड़ सकता है। मीन्स अलग अलग एटम से जब ये प्रोटॉन जुड़ता है तो अलग अलग इन एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होती है, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होगी तो सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग है वो भी सब में अलग अलग टाइप से होती है। हम बात करें कि प्रोटॉन जो है वो कार्बन के साथ जुड़े, ऑक्सीजन के साथ जुड़े या नाइट्रोजन के साथ जुड़े, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंट डिफरेंट होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट डिफरेंट होगी तो सिग्मा बॉन्ड के जो इनके साथ सबके साथ किस कौन से बॉन्ड से बॉन्डेड है, ये सिग्मा बॉन्ड से बॉन्डेड है। सिग्मा बॉन्ड से जो बॉन्डेड है तो ये इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग, इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग भी अलग अलग होगी। अब हम बात करते हैं कि ये जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका हमें एनएमआर लेना है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहां पे रखें हम? ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लग जाते हैं? स्पिन करने लग जाते हैं। और जब ये स्पिन करेंगे तो इन इलेक्ट्रॉन्स के चारों ओर क्या क्रिएट होगा? एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, और इस मैग्नेटिक फील्ड को हम कहेंगे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। जब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन स्पिन करेंगे, और जब भी कोई चार्ज पार्टिकल स्पिन करता है उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। इन इलेक्ट्रॉन्स के चारों ओर, ये जो इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स के चारों ओर भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन भी हो सकता है और अपोज भी हो सकता है। इस मैग्नेटिक फील्ड के यदि ये अपोज हुआ तो
इस शिफ्ट को या इन प्रोटॉन्स को कहा या इस इफेक्ट को कहा जाएगा सिल्डिड इफेक्ट कहा जाएगा, और ये प्रोटॉन्स जो हैं वो सिल्डिड हो जाएंगे। मैंने क्या कहा, यदि जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों एक दूसरे को अपोज करें, मींस जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोज में क्रिएट हुआ है, तो प्रोटॉन्स जो है वो क्या होंगे, सिल्डेड होंगे। और ये जो सिल्डेड प्रोटॉन्स है इनका जो सिग्नल मिलेगा या ये जो अब्सॉर्प्शन शो करेंगे ये हमें हायर लोअर डेल वैल्यू पे करेंगे, मींस अप फील्ड की तरफ इनका केमिकल शिफ्ट शो होगा। क्या कहा मैंने, ये यदि अपोज हो रहे हैं, अपोज ईच अदर, तो क्या होगा, प्रोटॉन कैसा होगा, सिल्डेड प्रोटॉन्स होगा। और जब सिल्डेड प्रोटॉन्स होता है तो हमें एनएमआर सिग्नल जो है या अब्जॉर्प्शन जो शो हो रहा है वो कहां पे होगा, अपफील्ड की ओर। अपफील्ड की ओर होगा तो डेल की वैल्यू कैसी मिलेगी, डेल वैल्यू लो डेल वैल्यू होगी। अब ये भी तो हो सकता है कि ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन हो जाए। जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन होगा, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन होगा तो हमें कैसा मिलेगा, डीसिल्डेड, हमारा प्रोटॉन्स क्या हो जाएगा, डीसिल्डेड हो जाएगा। और जब प्रोटॉन डीसिल्डेड होगा तो हमें जो अब्जॉर्प्शन मिलता है वो डाउन फील्ड में मिलेगा, कहां पे मिलेगा, डाउन फील्ड की तरफ मिलेगा। और जब डाउन फील्ड की तरफ मिलेगा तो ये कहां पे मिलेगा, हायर डेल वैल्यू पे, कहां पे मिलेगा, हायर डेल वैल्यू पे मिलेगा। अब जब इनके साथ जब इस प्रोटॉन के साथ कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, उस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ मूव हो जाएंगे। मैंने क्या कहा, जब प्रोटॉन के साथ मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम अटैच है ये एटम ये अटैच होगा तो ये जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों ये इलेक्ट्रॉन्स इस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और उस केस में इस प्रोटॉन पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ जाएगी। प्रोटॉन्स पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी या इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। और जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस प्रोटॉन के चारों ओर कम होने से ये प्रोटॉन जो है वो क्या हो जाएगा, डीसिल्डेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा प्रोटॉन, डीसिल्डेड प्रोटॉन्स होगा। और डीसिल्डेड प्रोटॉन्स होगा तो हमें डेल की वैल्यू क्या होगी, हायर मिलेगी। जैसे जैसे इस एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे इस प्रोटॉन का जो सिग्नल है वो हमें हायर डेल वैल्यू की तरफ मिलता जाता है, या कहें कि एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो हमें डेल वैल्यू
कौन से, इस प्रोटॉन के लिए जो डेल वैल्यू है, जो इससे अटैच है, इसकी डेल वैल्यू भी इंक्रीज होती हुई जाएगी। ये प्रोटॉन जो है उतने ही ज्यादा डिसल्डेड होते जाएंगे, जिससे यहाँ पे डेल की वैल्यू उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होगी। एग्जाम्पल लेते हैं हम, एल्काइल हैलाइड्स लेते हैं हम। फर्स्ट एग्जाम्पल CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I। CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I। इसके डेल की वैल्यू होती है 4.26 डेल वैल्यू। CH3Cl की वैल्यू होती है 3, CH3Br की वैल्यू होती है 2.83 और CH3I की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.16। मीन्स ये प्रोटॉन के इस कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, फ्लोराइड जुड़ा हुआ है। यहाँ पे क्लोराइड, यहाँ पे ब्रोमाइड और यहाँ पे आयोडाइड। फ्लोराइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर नेगेटिविटी ऑर्डर कैसे है इन हेलोजन्स का, फ्लोराइड सबसे ज्यादा, क्लोराइड, ब्रोमाइड और सबसे कम आयोडाइड। मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोराइड की सबसे ज्यादा है। फ्लोराइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी तो ये वाले जो प्रोटॉन्स हैं ये कैसे हो जाएंगे, डिसिल्डेड हो जाएंगे। और जब प्रोटॉन्स जो हैं वो डिसिल्डेड होंगे तो उनके डेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल जो है वो कहाँ पे मिलेगा, डाउन फील्ड में मिलेगा हमें। और डाउन फील्ड में मिलेगा मीन्स डेल की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। जैसे जैसे हम आयोडीन, आयोडाइड से ब्रोमाइड, ब्रोमाइड से क्लोराइड और क्लोराइड से फ्लोराइड की तरफ मूव कर रहे हैं, हमारा डेल की वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि आयोडाइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम, फिर ब्रोमाइड की, फिर क्लोराइड की और फ्लोराइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सबसे ज्यादा होती है। इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इन प्रोटॉन्स का डेल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अब हम बात करें कहाँ से, आयोडाइड से फ्लोराइड, और यदि फ्लोराइड से आयोडाइड की बात करें तो डिक्रीज हो रही थी। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जब ये किससे जुड़ा हुआ हो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन की बात करें, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन की बात करें। मीन्स एक CH3O, CH3N और CH3C की बात करें, इनकी बात करें। हमें पता है कि इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑर्डर की बात करें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, फिर नाइट्रोजन की और फिर कार्बन की। तो ऑक्सीजन से जो जुड़े हुए हैं उस पे जो प्रोटॉन्स है वो प्रोटॉन मोर डिसिल्डेड होंगे, फिर उसके बाद नाइट्रोजन वाले और सबसे कम जो डिसिल्डेड कहें या सबसे कम जो डेल की वैल्यू मिलेगी वो हमें उन प्रोटॉन्स पे मिलेगी। ये कैसे होंगे, डिसिल्डेड प्रोटॉन्स होंगे। और डिसिल्डेड प्रोटॉन्स होंगे तो इनमें डेल की वैल्यू क्या होगी, डेल वैल्यू ग्रेटर होगी, या कहें कि डेल वैल्यू हमें कहां मिलेगी, डाउन फील्ड की तरफ मिलेगी।
तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है, डेल की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। मैं डायरेक्शन ऐसे लगाया है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो डेल की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। इनके प्रोटॉन्स के लिए डेल की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। हम बात करते हैं, यहां तो ये इनडायरेक्ट रूप में जुड़ा हुआ था, कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट भी जुड़ जाते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे CH3O और H, ये जो तीन प्रोटॉन है ये इक्विवेलेंट प्रोटॉन है और ये अलग प्रोटॉन है। ये तीन इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, ए से डिनोट कर रही हूं और ये बी से, हमें दो सिग्नल मिलेंगे इस पे। ये तीन इक्विवेलेंट प्रोटॉन है और ये अलग प्रोटॉन है। ये ऑक्सीजन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ये ऑक्सीजन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो ये प्रोटॉन जो है वो डीशील्डेड प्रोटॉन्स होगा इनके कंपैरिजन में। अभी आप कभी ये सोचो कि मैम ने अभी तो इनको भी डीसिलेटेड बोला, हमने यहाँ कंपैरिजन, एक रिलेटिव स्टडी कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं किसका डेल ज्यादा आएगा किसका डेल कम आएगा, ये बताया है मैंने यहाँ पे। तो कौन, ये जो है, ये जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, इस प्रोटॉन का जो डेल वैल्यू है वो ग्रेटर डेल वैल्यू होगी, और ये जो कार्बन से जुड़े हुए प्रोटॉन है इनकी डेल वैल्यू कम होगी, क्योंकि यहां पे ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ये डीसेल्डेड होगा, ये डीसेल्डेड प्रोटॉन होगा, इसलिए डेल जो है वो हायर डेल वैल्यू होगी। किसके कंपैरिजन में? इन प्रोटॉन्स के कंपैरिजन में। अब हम बात करें कि जैसे जैसे इन इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम की प्रोटॉन से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे डेल की वैल्यू भी क्या होगी? कम होती हुई चली जाएगी। हम बात कर रहे हैं अगले एग्जाम्पल के, कि हमने ये कहा कि ये इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, डेल की वैल्यू भी वैसे वैसे कम होती जाएगी। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं CH3Cl, CH3CH2Cl, दोनों में ही हम इस मिथाइल ग्रुप के जो प्रोटॉन है उनकी बात कर रहे हैं। दोनों एग्जाम्पल में हम जो मिथाइल प्रोटॉन है उनकी बात कर रहे हैं। अब ये मिथाइल प्रोटॉन्स जो है वो इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ज्यादा पास में है, इसलिए यहाँ पे जो डेल वैल्यू आती है वो 3 पे आती है, और यहाँ की जो डेल वैल्यू आती है वो 1.5 पे आती है। क्यों? क्योंकि इन प्रोटॉन, मिथाइल प्रोटॉन की क्लोराइड से जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उससे क्या हो गई? डिस्टेंस बढ़ गई। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, एक और जुड़ जाता, मान लो यहाँ पे ऐसा फॉर्म हो जाती CH3CH2CH2Cl, तो इनकी डेल वैल्यू और भी कम होती, इनकी डेल वैल्यू और भी कम होती। तो जैसे जैसे क्लोराइड या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से क्या हो रही है? डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, इंक्रीज डिस्टेंस, तो डेल वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। डिस्टेंस कम हुई, ये सबसे ज्यादा डिसिल्डेड प्रोटॉन्स होंगे, फिर उसके उससे थोड़े कम ये होंगे, और यहां तक पहुंचते पहुंचते इनका, इस क्लोराइड का इफेक्ट जो है वो कम होता जाएगा, इसलिए यहां पे डेल की वैल्यू और भी कम आती है।
उसके बाद अगला एग्जाम्पल है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे जैसे बढ़ेंगे, यहां तो सब में हम एक एक कर रहे थे, अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को मैं इंक्रीज कर रही हूं, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डेल की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, वो प्रोटॉन और भी ज्यादा डिसिल्डेड होता हुआ चला जाएगा। तो एग्जाम्पल है कि जैसे CH3Cl एक ही क्लोराइड है, फिर हमने दो क्लोराइड से रिप्लेस कर दिया इसको, फिर हमने तीन क्लोराइड से रिप्लेस कर दिया। पहले एक ही क्लोराइड था, फिर हमने दो क्लोराइड डाले इसमें और फिर हमने तीन क्लोराइड डाले। यहां पे डेल की वैल्यू 3 अभी लिखा था हमने, डेल जो आता है वो 3 पे आता है, यहां 5.25 पे आता है और यहां 25 पे आता है और यहां पे 7 point something पे आता है, 7.23 इस तरीके के इसके आसपास आता है डेल वैल्यू। क्या हो रहा है, क्लोराइड आयन यहां पे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्लोराइड एक है, यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के नंबर बढ़ गए 2 हुए और यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के नंबर बढ़े 3 हो गए। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के नंबर बढ़ते हैं क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इंक्रीज होंगे तो क्या होगा, डेल वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये प्रोटॉन सबसे ज्यादा डिसिल्डेड होगा और सबसे ज्यादा डिसिल्डेड प्रोटॉन होगा तो इनके डेल की वैल्यू भी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद अगला आता है मल्टीपल बॉन्ड्स या सैचुरेशंस, बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे जैसे बढ़ेगी डेल की वैल्यू वैसे वैसे इंक्रीज होगी। हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल जब सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड प्रोटॉन, इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इससे बॉन्ड प्रोटॉन, डबल बॉन्ड से बॉन्डेड प्रोटॉन, और ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्डेड प्रोटॉन, सबसे ज्यादा प्रोटॉन कौन सा डिसिल्डेड होगा, ये वाला प्रोटॉन डिसिल्डेड होगा। जैसे जैसे पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती जाती है डेल की वैल्यू वैसे वैसे इंक्रीज होती हुई चली जाती है, क्योंकि जैसे जैसे पाई बॉन्ड इंक्रीज हुए या मल्टीपल बॉन्ड इंक्रीज हुए तो प्रोटॉन क्या होगा, मल्टीपल बॉन्ड इंक्रीज तो क्या होगा, प्रोटॉन डिसिल्डेड, प्रोटॉन डिसिल्डेड होना शुरू हो जाएगा। ये था आपका फर्स्ट इफेक्ट, हमने पढ़ा इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में हमने कहा कि जैसे ही किसी भी प्रोटॉन के साथ यदि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ता है तो डेल की वैल्यू इंक्रीज होती है, वो प्रोटॉन जो है वो डिसिल्डेड इफेक्ट शो करता है। लेकिन यदि कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम उसके साथ जुड़ता है तो वो प्रोटॉन कैसा हो जाता है, सिल्डेड, और डेल की वैल्यू जो है वो कम शो करेगा, डेल की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। फिर हमने अलग अलग एग्जांपल्स लेके देखे, हमने ये कहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाई तो डेल की वैल्यू चेंज हुई। फिर हमने देखा कि डिस्टेंस बढ़ेगी,
उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से इनकी डिस्टेंस बढ़ती जाती है तो डीसिल्डेड इफेक्ट कम होता जाता है और डेल की वैल्यू जो है वो भी डिक्रीज होती हुई चली जाती है। फिर हमने देखा कि जो मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे उनमें भी डीसिल्डेड इफेक्ट शो होगा, मल्टीपल बॉन्ड बढ़ेगा तो प्रोटॉन जो है वो डीसिल्डेड हो जाएंगे, डीसिल्डेड होंगे तो डेल की वैल्यू जो है वो हमें हायर डेल वैल्यू मिलेगी। फिर हमने कहा कि यदि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का नंबर बढ़ाते हैं हम तो भी डीसिल्डेड इफेक्ट बढ़ जाता है और डेल की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। अब हम नेक्स्ट क्लास में यही केमिकल शिफ्ट के फैक्टर्स आगे स्टडी करेंगे। थैंक यू।